स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टाइपिंग है वो और भी बेटर हो सके, आप कीबोर्ड को देखे बिना टाइप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड को बिल्कुल भी ना देखें और सिर्फ स्क्रीन पे देखते हुए आप टाइप कर पाए, तो इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और उसी सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जो कि आपको मदद करता है आपकी टाइपिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है और इसको यूज करके अपने टाइपिंग को इम्प्रूव करने की प्रैक्टिस कर सकता है। तो चलिए देखते हैं इस रैपिड टाइपिंग ट्यूटर को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर स्क्रीन को ओपन करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। ओके, इतना करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड रैपिड टाइपिंग 5.4। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड रैपिड टाइपिंग X64 एंड X32। ठीक है, सो आप अपने कंप्यूटर में अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको X64 को यूज करना है, और अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको X32 को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं X32 वाला रैपिड टाइपिंग डाउनलोड करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा डाउनलोड की जो विंडो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर डाउनलोड की विंडो कुछ इस तरह से आई है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कुछ दूसरे तरीके से हो, या नीचे की तरफ आपको डाउनलोड होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं डाउनलोड की प्रोसेस चल रही है। इसी तरीके से आपके सिस्टम में भी जब डाउनलोड की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि मुझे ये फाइल मिल गई है, आपको भी एक फाइल मिल जाएगी। आपको उस फाइल तक जाना है, ठीक है, और उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ उस फाइल के ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि वो फाइल किस तरह से दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का कुछ आपको इंस्टॉलर मिलेगा डाउनलोड करने के बाद में। तो आपको इस इंस्टॉलर के ऊपर डबल क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे देखना है पर्सनल इंस्टॉलेशन, मल्टी यूजर इंस्टॉलेशन, ओके, प्रोग्राम ओनली इंस्टॉल ऑन द टीचर्स कंप्यूटर, स्टूडेंट रन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम अ नेटवर्क ड्राइव ओवर द लोकल नेटवर्क वाईफाई और इथरनेट। तो यहाँ पे आप पर्सनल इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, क्रिएट अ क्विक लॉन्च आइकन, इसको इंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये रैपिड टाइपिंग ट्यूटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके अंदर पहले से ही बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे प्रैक्टिस लेसन्स दिए हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के लेसन्स दिए हुए हैं, अलग अलग लेवल के लेसन्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आप खुद के लेसन्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें लेसन्स को कैसे कस्टमाइज करा जाता है, आप खुद के लेसन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आने वाले दिनों में आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो हो सकता है मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि अगर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है वो भी एक कस्टमाइज्ड लेसन पे, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे फिनिश का बटन आ गया है, इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया है हमारा इंस्टॉल। अब हम चलते हैं ऑल प्रोग्राम के अंदर और रैपिड टाइपिंग ट्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट करा आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आया है। यहाँ पे सिलेक्ट योर कीबोर्ड के अंदर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह का आपका कीबोर्ड है, क्या आपको डेस्कटॉप, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने कीज का आपको कीबोर्ड चाहिए, ऐसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 107 कीज। ओके, एंटर की फ्लैट, एंटर की हाई, एंटर की बिग,
तो मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर की बिग। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा, आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर की बिग। ओके, उसके बाद न्यूमेरिक पैड 1, 2, 3 मैंने यहाँ पे 1, 2 कर दिया है, यहाँ पे 3 कर दिया है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक पैड में भी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप स्कीम को सिलेक्ट करते हैं तो अलग अलग तरह से फिंगर प्लेसमेंट की स्कीम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर भी मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका ये कलर रहता है। इतना करने के बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट टाइम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं रैपिड टाइपिंग ट्यूटर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको अपने कीबोर्ड को देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्क्रीन पे एक वर्चुअल कीबोर्ड दिख रहा है जो कि आपको मदद करेगा। ठीक है, कुछ हिंट्स यहाँ पे आएंगे जो कि आपको मदद करेंगे कि आपको किस तरह से टाइपिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट करना है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे लेवल्स दिए हुए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, बिगिनर, एक्सपीरियंस, एडवांस, टेस्टिंग। ठीक है, और जब आप एक पर्टिकुलर लेवल को सिलेक्ट करते हैं तो उस लेवल के अंदर कुछ लेसन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेसिक के अंदर कुछ लेसन हैं, शिफ्ट की के कुछ लेसन हैं, डिजिट्स के कुछ लेसन हैं। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के लेसन मिलेंगे। ओके, तो जैसे जैसे आप कैटेगरी को इंक्रीज करते जाएंगे यहाँ पे आपको डिफरेंट लेसन मिलते जाएंगे और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंट भी आ रही है कि आपको किस की को प्रेस करना है। ओके, तो जैसे आप उस की को प्रेस करेंगे आपको आगे की हिंट मिलेगी। ये देखिए, आपको इस तरह से हिंट मिलती जाएगी कि आपको कैसे प्रेस करना है कीज को। तो इस तरह से आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पांचों उंगलियां आपको बताता है कि आपको कब किस चीज को प्रेस करना है और कैसे प्रेस करना है। तो इस तरह से आप टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग ट्यूटर का यूज करके। यहां से आप साउंड भी इंक्रीज कर सकते हैं, आपको हिंट भी मिलेगी जब आप प्रेस कर रहे होंगे चीजों को। तो ये देखिए, इस तरह से आपको हिंट भी मिलेगी। ठीक है, तो इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईजी है और इसमें आप बहुत आसानी से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आज के इस वीडियो में मुझे बस ये बताना था कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर हम क्यों यूज करते हैं और इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे आने वाले समय पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली हो। आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ।